किसान दिवस पर जिले के किसानों से सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर अपनी आमदनी दुगनी करने का जिलाधिकारी ने किया आह्वान। राष्ट्रीय लोक दल के सदस्यों ने मनाई चौधरी चरण सिंह की 115वीं जयंती। राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम दिवस के पूर्व संध्या पर आयोजित हुई गोष्ठी, लोगों को उनके अधिकार के प्रति किया गया जागरूक। जिलाधिकारी राजीव रौतेला की अध्यक्षता में जनपद में पहली बार आयोजित हुई शस्त्र पंचायत। पिछले दिनों अधिवक्ता और लेखपाल के बीच विवाद में लेखपालों ने लिया यू टर्न, अधिवक्ता को दोषी ना मानते हुए की कानूनगो के निलंबन की मांग। उचित मुआवजे की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने जिलाधिकारी से की मुलाकात, सौंपा ज्ञापन। साइलेंट जोन का पालन करते दिखे भारतीय किसान यूनियन के सदस्य। 4 जनवरी को चरगावा में आयोजित होगा वृहद रोजगार मेला। 8 जनवरी से आयोजित होगा ADHD से प्रभावित बच्चों के पहचान के लिए मास्टर ट्रेनिंग कार्यक्रम। 20 पुड़िया हीरोइन के साथ कैंट पुलिस ने दबोचा युवक को, भेजा जेल। जिलाधिकारी की निगरानी में 27 दिसंबर से 6 जनवरी तक सभी तहसील मुख्यालय और नगर क्षेत्र में होगा राशन समाधान दिवस। जिलाधिकारी ने प्रदेश के पहले महिला चेतना उपवन का किया उद्घाटन। राजस्व गांव घोषित वनटांगिया गांव को ग्राम पंचायत गठन कर शासन को रिमाइंडर भेजने के लिए जिलाधिकारी ने दिया निर्देश। जिले के सभी लोकतंत्र रक्षक सेनानियों और उनके परिवारों को जारी होगा नया परिचय पत्र। और 2 दिवसीय क्रिकेट मैच का हुआ आयोजन। पहले मैच में एडवोकेट क्रिकेट लीग ने एंटी करप्शन कमेटी को 21 रनों से हराया।